क्रोमोसोम बाबू, अब राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में लिखाते बाबू, फिर वीडियो दिखाना है राइबोसोम के बारे में। देखो राइबोसोम क्या बाबू, राइबोसोम क्या है, जल्दी से लिखे इसको। सर थोड़ा परसेंट, सर राइबोसोम आरएनए भी है, प्रोटीन भी है ना? हाँ बाबू, सारा बताएंगे, सारा बताएंगे। डन सर। बाबू आप लोग परसेंटेज वाला बाबू थोड़ा सा चैप्टर पढ़ के आया करो, परसेंटेज वाला थोड़ा सा पढ़ के आया करो। आप लोग पढ़ के आते नहीं बाबू, इसीलिए दिक्कत होता है। परसेंटेज वाला चैप्टर थोड़ा पढ़ के आए बाबू। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, राइबोसोम। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बाबू, राइबोसोम पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे ना, राइबोसोम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, राइबोसोम पढ़ेंगे, है ना, राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम क्या होता है, शैतान राइबोसोम क्या होता है ना, वो देखो समझा देते बाबू, है ना, समझा देते, उसके बाद लिखाएंगे, वो टाइम भी लगा था। राइबोसोम मेरा कहाँ बनता है बाबू, तो आपको बताया था बाबू, राइबोसोम मेरा कहाँ बनता है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस में बनता है। राइबोसोम कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है, कहाँ बनता है वो, न्यूक्लियोलस में बनता है ना। ठीक है, समझना है। देखो आपका बाबू क्या है, एक सेल है बाबू, है ना, तो सेल में बाबू क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जाओगे वो क्या मिलेगा आपको, साइटोप्लाज्म मिलेगा। साइटोप्लाज्म के अंदर जाओगे वो, तो साइटोप्लाज्म के अंदर अगर जाते हो तो क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस के अंदर जाओगे तो न्यूक्लियोलस मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर जाओगे तो न्यूक्लियोलस मिलेगा, और न्यूक्लियोलस में ही राइबोसोम बनेगा। न्यूक्लियोलस में ही क्या बनेगा, राइबोसोम बनेगा। न्यूक्लियोलस में ही क्या बनेगा, आपका राइबोसोम बनेगा, क्या बनेगा, राइबोसोम बनेगा न्यूक्लियोलस में, है ना। यशु बाबू, ये शैतान को कुटाई खोजता है। मोहित वीडियो का बंद कर लिया बाबू, देखे बाबू बायोलॉजी। एक मिनट का वीडियो बाबू, है ना, वही वीडियो बाबू। देखो सर कितना, जब तक बाबू आपको याद नहीं हो जाए, जब तक आपको याद नहीं हो जाए ना बाबू, जब तक याद नहीं हो जाए। आई डोंट लाइक इट। हाँ बाबू, देखो बाबू यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, शांति समझना, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये बाबू सेल है और ये बाबू क्या, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर चलो, न्यूक्लियस के कहाँ चलो, अंदर चलो, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये न्यूक्लियस के अंदर चलो, इसके अंदर चलो, इसके अंदर चलो, है ना, इसके अंदर चलो, न्यूक्लियस के अंदर, देखो जूम करेगा। ठीक, जल्दी से बाबू, जल्दी से, जल्दी से, लेट मत करो। ये साइटो, ये साइटोप्लाज्म, इसके अंदर चलो, इसको अंदर चलो, इसमें बाबू छोटा छोटा होल दिखाई दे रहा है, आप समझना है। यहाँ पे बाबू आपको छोटे छोटे बल्ब्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बाबू आपको क्या दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा बॉल दिखाई दे रहा है, यहाँ छोटा छोटा बाबू बॉल दिखाई दे रहा है, सारे को दे रहा है छोटा छोटा बॉल बाबू, तो वही जो छोटा छोटा बॉल है बाबू, वही आपका राइबोसोम है, जो छोटा छोटा बॉल दिखाई दे रहा है बाबू, वही आपका क्या है, राइबोसोम है, वही आपका क्या बाबू, राइबोसोम है, जो छोटा छोटा बॉल दिखाई दे रहा है ना। अरे शैतान, जूम का नहीं हो रहा जी, जूम तो हो ही नहीं रहा, पता नहीं कैसे आता, ये अथी में लगता जूम नहीं होता है। गैलरी में फोटो जूम करते हैं ना सर, डबल टैप नहीं करते सर, पिंच करके जूम होता है। अरे कहाँ हो रहा है, चलो ठीक है, यहाँ वो छोटा छोटा डॉट दिखाई दे रहा था, ये क्या बाबू, राइबोसोम है, ये क्या है, राइबोसोम है। तो राइबोसोम दो स्टेट में पाया जाता है, शांति सुनना, एक बाबू फ्री बाबू साइटोप्लाज्म में फ्री क्या रहेगा, तैरते रहेगा, और दूसरा बाबू क्या होगा, दूसरा क्या होगा बाबू, ये जो आपको सरफेस दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके क्या होगा, चिपक जाएगा, है ना। तो ये जो आपको छोटा छोटा बबल्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सारे छोटा छोटा बबल्स दिखाई दे रहे थे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, राइबोसोम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, राइबोसोम कहेंगे। ये बनता कहाँ सर, तो ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस रहता है, ये न्यूक्लियस के अंदर बाबू, जो न्यूक्लियोलस रहता है, अंदर चलो इसके, न्यूक्लियस के अंदर चलो, ये न्यूक्लियस बाबू, है ना। अरे शैतान आगे बढ़ो जल्दी से। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर चलेंगे बाबू, न्यूक्लियस के अंदर चलेंगे, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर चलेंगे तो क्या मिलेगा, न्यूक्लियोलस मिलेगा, न्यूक्लियोलस मिलेगा, है ना, न्यूक्लियोलस मिलेगा। ठीक, इसके अंदर चलो जल्दी से, अब देखो अब इसके अंदर चलेंगे, इसके हम लोग क्या चलेंगे, अंदर चलेंगे, न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर चले, है ना। तो ये आपका क्या मिल गया, डीएनए बताएंगे इसके बारे में, ये क्रोमेटिन हो गया बाबू, यही बाबू इंटेगल होकर आपको क्या बनाएगा, उसके अंदर क्रोमेटिन भी रहता है और डीएनए भी। हाँ हाँ बाबू, यही बाबू आप, अभी आपको जो डायग्राम बनाया बाबू, है ना, आरएनए, आरएनए राइबोसोम, राइबोसोम देखो
पता नहीं बाबा आप लोग को कैसे स्कूल में टीचर पढ़ा कर समझा देता हूँ। देखो ये आपका बाबू क्या है, ये क्रोमोसोम हो गया, यही सब बनाए बाबू, यही सब बनाए, एक लोब इधर एक लोब इधर एक लोब इधर, ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक, ये क्रोमोसोम हो गया। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये आपका न्यूक्लियोलस है, ये छोटा सा ये कलर न्यूक्लियोलस देखा, इसी के अंदर क्या बनेगा, राइबोसोम बनेगा, न्यूक्लियोलस यही आपको क्या बन रहा है, राइबोसोम बन रहा है, ये जो निकल रहा है यही आपका क्या बन रहा है, राइबोसोम बन रहा है। अब ये राइबोसोम कहाँ निकलेगा, न्यूक्लियस के यहाँ होल है, इससे क्या निकला, बाहर निकला बाहर निकला बाहर निकला बाहर निकला बाहर निकला, ये सब सारा का सारा जो है बाबू आपको येलो कलर दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या है, राइबोसोम है, सारा का सारा क्या राइबोसोम है, ये राइबोसोम बाबू। अभी क्या हुआ, कुछ राइबोसोम बाबू एंडोप्लाज्मिक पे जाके चिपक जाएगा, कुछ बाबू साइटोप्लाज्म में क्या रहेगा, तैरते रहेगा, कुछ क्या होगा साइटोप्लाज्म में क्या रह जाएगा, तैरते रह जाएगा, तैरते रह जाएगा, है ना, कुछ क्या होगा साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, तैरते रहेगा, तैरते रहेगा, बाबू ये इस पे चिपकेगा, बताएंगे इसके बारे में, ये रैप फिर हो जाता है, ये रैप हो जाता है, रैप हो जाता है, छोटा छोटा व्हाइट व्हाइट कलर का जो उड़ रहा है सर वो साइटोप्लाज्म है, ये राइबोसोम है बाबू, राइबोसोम है जो येलो कलर बाबू, ये राइबोसोम है, राइबोसोम है, राइबोसोम व्हाइट कलर का जो है ना सर धागा जैसा, और इसमें सेल ऑर्गेनिल होंगे या और कुछ कुछ होंगे, है ना बाबू, ये शायद लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, आगे बताएंगे बाबू आपको, लाइसोसोम बताएंगे, ठीक है ना। हाँ ये बाबू प्रोटीन से राइबोसोम मेरा क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनने का, राइबोसोम अंदर जाके करेगा प्रोटीन, हाँ बाबू ये राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा बाबू, प्रोटीन में बाबू आपको जब बताएंगे बाबू, है ना, तो प्रोटीन बाबू मेरा 20 टाइप्स का प्रोटीन होता है, जिसमें 10 को मेरे लिए एसेंशियल होता है बाबू, 10 को मेरे अंदर बनता है, 10 को हम लोग फूड से लेते हैं ना, फूड से लेते हैं, राइबोसोम को फर्दर वो इसको पूरे डिटेल से जब पढ़ो बाबू तो बहुत टाइम लगेगा। राइबोसोम बाबू एक mRNA होता है, RNA होता है ना बाबू, एक mRNA होता है, एक tRNA होता है, मैसेंजर RNA, एक tRNA होता है, एक rRNA, ठीक है ना, तो ये सब बाबू पूरे डिटेल से पढ़ेंगे तो इसी में रह जाएंगे, है ना, आपको बाबू सिंपल सा उसका स्ट्रक्चर पढ़ना, उसका फंक्शन क्या होता है, वो क्या काम करता है, क्या काम करता है ना, इसका डिटेल से भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो इसी में रह जाएंगे, है ना, ठीक हो। तो राइबोसोम को बाबू, राइबोसोम का अगर स्ट्रक्चर बना लो बाबू, तो ऐसे हम लोग एक क्या बनाएंगे, एक ऐसे सेल बना लो, इसके अंदर क्या बना लो, न्यूक्लियस बना लो, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक हो गया, इसी से क्या रहता है बाबू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, डायग्राम बनाएंगे सर, हाँ बाबू डायग्राम बनाना, यही आपका क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये आपका क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब बाबू इतना बार आपको पढ़ा रहे हैं बाबू, ये आपका क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो कुछ राइबोसोम इसी से आके क्या होगा, चिपक जाएगा, इसके सरफेस से आके चिपक जाएगा, कुछ राइबोसोम बाबू इसमें इस तरह से क्या रहेगा, फ्रीली क्या रहेगा, तैरते रहेगा, फ्रीली क्या होगा, तैरते रहेगा, तैरते रहेगा, तैरते रहेगा, फ्रीली क्या होगा, तैरते रहेगा, तैरते रहेगा, ये क्या न्यूक्लियस है, तो ये जो आपको बाबू तैर रहा है फ्रीली बाबू, यही आपका क्या है, राइबोसोम है, ये जो बाबू ये सब सारा का सारा दिख रहा है, डॉट 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 डॉट, है ना, गोल 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 गोल, ये सारा का सारा क्या है, राइबोसोम है, ये सारा का सारा क्या बाबू, राइबोसोम है, क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम है, राइबोसोम है, ड्रॉ करें सर, हाँ बाबू फिगर ड्रा कर लो, ड्रा कर लो, ठीक है, फिगर ड्रा कीजिए बाबू, लिखे हो, इसके बारे में लिखा देते हैं, जानवी दास बाबू वीडियो का बंद हो गया, जानवी दास कौन कौन भागा जी, सम्यक है, स्वाति, स्वाति है ये, नींद आ रहा, मम्मी कहा डांट रही थी, स्वाति, स्वाति नींद आ रहा था बाबू, सर अटेंडेंस नहीं बना, डिस्कवर्ड बाय बाबू, डिस्कवर्ड बाय बाबू, जॉर्ज प्लाड, राइबोसोम को डिस्कवर कौन किया था, ए रौनक बाबू समझ में आता है बाबू, ये सर आता है, हाँ बाबू हम लोग बाबू सेल अब आपको कहाँ भी पूरे इंडिया में कहीं भी पढ़ाया जाए बाबू, वीडियो तो दिखाया नहीं जाता, लेकिन आप लोग बाबू अब समझ में आ जाएगा, कोई भी टीचर पढ़ाएगा बुक में दिया रहेगा, अपने आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टीचर नहीं बताता है ना, सिंपल सा बाबू आपको सेल बता कर छोड़ देगा, इट इज फॉर्म बाय बाबू, ये कहाँ बनता है, राइबोसोम कहाँ बनता है, इट इज फॉर्म बाय बाबू, हम लोग इसका फंक्शन लिखेंगे, इट इज फॉर्म बाय बाबू इन साइड द, ये कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है, इट इज फॉर्म बाय बाबू, फॉर्म इन साइड द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं लिखना, न्यूक्लियोलस लिखना, न्यूक्लियोलस लिखना, ठीक, इट इज कम्पोज बाबू, ये किस चीज से बना रहता है, ये किस चीज से बना रहता है, इट इज कम्पोज बाबू, इट इज कम्पोज ऑफ, कम्पोज्ड बाबू आर एन ए, राइबोसोम मेरा किससे बना रहता है, आर एन ए प्रोटीन से बना हुआ रहता है, राइबोसोम किससे बना रहता है, कम्पोज्ड बाबू आर एन ए रहता है, क्या रहता है, आर एन ए रहता है, ये किससे बना रहता है बाबू,
आरएनए, तो आर आरएनए होता है, क्या होता है आर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। एंड वो किससे बना रहता है, प्रोटीन से बना रहता है, किससे बना हुआ रहता है, प्रोटीन से बना हुआ रहता है। राइबोसोम मेरा कहाँ बनेगा, न्यूक्लियोलस के अंदर बनेगा, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोलस के अंदर बनेगा। आइए किससे बना रहता है बाबू, किससे बना रहता है, आर एन आर आर एन एंड प्रोटीन से बना होता है, किससे, प्रोटीन मतलब राइबोसोमल, ये राइबोसोमल आर एन आर एन ए हुआ क्या, ये क्या हुआ राइबोसोम न्यूक्लियर एसिड, ये हो गया राइबोसोमल आरएनए। सर राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए तीन टाइप का होता है, आरएनए एमआरएनए और टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए है ना बाबू, और एक होता है ट्रांसक्रिप्शन आरएनए। तो इसको बाबू जब आरएनए डीएनए बताएंगे ना, कभी एक क्लास का पूरे का चीज होता है, आधा घंटा एक घंटा का आरएनए डीएनए डिफरेंस, तो वहीं से आएगा है ना, वहीं से आपको आएगा, आप लोग कभी इतना याद रखना ठीक। नेक्स्ट बाबू राइबोसोम का बाबू ये क्या होता है, फिर इसका स्ट्रक्चर जो देखे बाबू, राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा होता है, दो गो लोब होता, एक बड़ा लोब होता बाबू, एक छोटा लोब होता। ये राइबोसोम का एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे, ये आपको डॉट डॉट दिख रहा है ना, गोला गोला दिख रहा था ना, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा ना। हाँ हाँ ऐसा दिखेगा, एगो बड़ा लोब दिखेगा, एगो छोटा छोटा लोब दिखेगा। ये क्या बाबू स्ट्रक्चर है बाबू, ये क्या हो गया, एक बड़ा लोब दिखेगा, बाबू आपको ग्लास से नहीं दिखाई देगा, नहीं एंड है बाबू मेरे, ठीक है। ये बाबू ये स्ट्रक्चर ऑफ क्या बाबू, राइबोसोम है, स्ट्रक्चर ऑफ बाबू राइबोसोम है, स्ट्रक्चर ऑफ बाबू राइबोसोम है। माइक्रोस्कोप तो फिजिक्स में पढ़ाएंगे। हाँ बाबू, तो ये बाबू किस शेप का बाबू, डोम शेप का, क्या डोम शेप का, ये कैसा है डोम शेप, ऊपर वाला साइड नहीं दिखा दे रहा। अच्छा ठीक है सर, डोम शेप, डोम शेप है ठीक। राइबोसोम बाबू नीचे वाला स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे सर, ये दोनों कंबाइने रहता, दोनों कंबाइने रहता ठीक है ना, दोनों कंबाइने रहता, तो वो भी ड्रॉ करें ना। हाँ बाबू, राइबोसोम बाबू कंसिस्ट ऑफ बाबू, कंसिस्ट ऑफ बाबू टू सब यूनिट, दो सब यूनिट रहता है, दो सब यूनिट रहता है ठीक। ऊपर वाले को हम लोग कहेंगे लार्ज सब यूनिट, ऊपर वाले को क्या कहेंगे, लार्ज सब यूनिट कहेंगे, नीचे वाला को क्या कहेंगे, स्मॉल सब यूनिट कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू टू सब यूनिट बाबू, राइबोसोम कंसिस्ट अबाउट टू सब यूनिट है ना बाबू, एक क्या होता है लार्ज सब यूनिट होता है, लार्ज सब यूनिट होता है बाबू, एंड क्या होता है एक स्मॉल सब यूनिट होता है। ठीक, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबू, इसको लिखा के आप लोग को छोड़ देते हैं, इसको राइबोसोम को हम लोग, ये बना होता है प्रोटीन से, और ये खुद क्या करता है वो प्रोटीन बनाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं वो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहेंगे। राइबोसोम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री कहेंगे है ना, प्रोटीन मेक्ट्री, प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री कहेंगे। आपको आएगा बाबू की प्रोटीन के बाबू, प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री कौन होता है, राइबोसोम होता है ना बाबू, खुद प्रोटीन से बना होता है, बनाता है प्रोटीन है बनाता बाबू, यही बाबू है ना, यही इसकी सबसे बड़ा खासियत है बाबू है ना बाबू। ठीक, इट इज बाबू, इट इज बाबू साइट्स ऑफ बाबू प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करेगा प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस इट इज साइट ऑफ बाबू प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या करेगा, डेट इज कहने का मतलब क्या, वो कहने का मतलब क्या बाबू, ये प्रोटीन बनाने की क्या फैक्ट्री है, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन करना, उसको क्या करेगा फॉर्म करेगा, डेट इज इट इज ऑल्सो ये राइबोसोम बाबू, ऐसे लिख सकते हैं इसको, राइबोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड
ऑल्सो कॉल्ड, इस पॉइंट को याद रखना बाबू, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, ऑल्सो कॉल्ड बाबू प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। सेल का ही क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है। जैसे लाइसोसोम है बाबू, लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सुसाइडल कहेंगे। आपको लाइसोसोम पढ़ाएंगे तो वहां पे हम लोग उसको सुसाइडल बैग कहेंगे। आत्महत्या की थैली, इसीलिए उसको सुसाइडल बैग कहते हैं। लाइसोसोम होता है क्यों, जो वो दूसरा को डाइजेस्ट करता। बताएंगे 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 डिटेल से आपको दिखाएंगे, उसका भी वीडियो उसी में है। यह 5 मिनट का जो वीडियो बाबू इसमें सारा है। और मुझे अब से 6:30 to 7:30 करना है क्या? हाँ शैतान। सर करूँ सर 6:30 to 7:30? नहीं शैतान, अभी रोना धोना हो जाएगा बाबू, 6:30 to 7:30 नहीं कीजिए आप अभी इसमें, जिसको तो हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा। इससे भी एक आध दूगा स्टूडेंट को, ये क्या हो रहा है बाबू, इससे एक आध दूगा को हटाएंगे बाबू, है ना, बहुत परेशान हो जाते हैं।